नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में शातिर चोरों के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। चार चोर सहित चोरी के आभूषण खरीदने वाले दो ज्वेलर भी गिरफ्तार हुए हैं। शास्त्रीपुरम के एक बंद घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घर से कीमती ज्वेलर और 25,000 नकदी चोरी कर चोर फरार हो गए थे। ये पूरा मामला आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस को पता चला और इसमें हमने तीन चोर जो चोरी करने गए थे, साथ में जो चोरी का सामान जिस सुनार को बेचा गया, दो सुनार और एक मिडिल मैन जिन्होंने पूरा यह डील करवाया था, उसको कुल मिला के छः लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और चोरी हुए सामानों को बहुत हद तक बरामद किया गया है। इसमें 2,09,000 रुपये की बरामदगी की गई है और साथ में दो चेन पीलू धातु के, एक अंगूठी डायमंड का, तीन अंगूठी पीली धातु के, एक जोड़ी झुमका पीली धातु का, एक जोड़ी टॉक्स पीली धातु का, एक जोड़ी कुंडल डायमंड का, एक जोड़ी कुंडल पीली धातु का, एक मंगलसूत्र बरामद हुआ है और साथ में जिस वाहन से चोरी करने का चोरी किया गया था वो ऑटो भी बरामद हुआ है, जिसका नंबर UPSC CT 6782 और इन लोगों के पास से दो अदद तमंचा और दो कारतूस बरामद हुआ है। कानपुर में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ है। समुदाय विशेष के लोगों ने हंगामा किया। मस्जिद में नमाज के बाद प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। प्रदर्शन और नारेबाजी के दौरान शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया। फायरिंग और बम चलने की भी सूचना मिली थी। बेगमगंज थाना क्षेत्र के अतीम खाना परेड का ये पूरा मामला बताया गया। हालांकि पूरा मामला कल का है। कानपुर बवाल में पेट्रोल बम चले, फायरिंग भी हुई और इससे पहले ही समुदाय विशेष के लोगों द्वारा अपनी अपनी दुकानें और मार्केट बंद कर प्रदर्शन करने की योजना पहले से ही बना दी गई थी। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को भड़काया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 6 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुशीनगर के सांसद विजय दुबे ने कहा है कि जरूरतमंदों तक बिना भेदभाव विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। किसानों और गरीबों की आय में वृद्धि हुई है। अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाकर स्वावलंबन और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनपद में किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता और आभार ज्ञापन जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र और संचालन जिला महामंत्री सुदर्शन पाल भी यहाँ पर मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक झोपड़ी में अस्पताल चल रहा है और फर्जी डॉक्टर द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा मामला जनसेवा अस्पताल के बगल का है, जो कि चैनपुर चौराहे के पास स्थित है। जनसेवा अस्पताल, जिसे प्रशासन ने डॉक्टर्स और मानक नहीं होने के कारण इस अस्पताल को सील कर दिया था, लेकिन इस अस्पताल के बगल में अब भी मरीजों का इलाज झोपड़ी में जारी है, जिसका वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, ये जनसेवा हॉस्पिटल जो है सील किया गया था, वहाँ जो हमारे बर्डपुर के अधीक्षक हैं उसके और वहाँ के तहसीलदार के द्वारा शायद, उसमें कारण ये था कि उसमें जिलाधिकारी महोदय ने और एक बार तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने कोई निरीक्षण किया था। उसके बाद एक बार SDM साहब भी गए थे, उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ पाई गई थी। उस तत्कालीन उसको चैनपुर चौराहे का जो अस्पताल था, जनसेवा हॉस्पिटल, उसको बंद कर दिया गया। उसके अगेंस्ट में उसने कोर्ट में भी एक रिट कर रखी है, तो उसका एक मुकदमा भी चल रहा है। अगर उसने या उसमें जो भी चिकित्सक थे वो चिकित्सक कहीं अन्य बैठ कर अगर चिकित्सा कर रहे हैं, तो एक तरीके से इलीगली ये कहा कि चिकित्सक ही इलीगल थे उस समय, इसीलिए उनका अस्पताल सील किया गया था। वो अनक्वालिफाइड पर्सन थे, उनके पास कोई वैध डिग्री लाइसेंस कुछ भी नहीं था। आगरा के बिल्डर जितेंद्र मंगला को 17 करोड़ की बकायेदारी में गिरफ्तार किया गया। जिलाधिकारी आगरा के आदेश पर नायब तहसीलदार रवीश कुमार ने टीम के साथ बिल्डर को दबोचा है। 17 मामलों में बिल्डर पर रेरा ने सिकंजा कसा था। आगरा सदर तहसील के नायब तहसीलदार रवीश कुमार के नेतृत्व में टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की।
अलीगढ़ में सरकारी आदेशों की अवहेलना जोरों शोरों से की जा रही है। योगी सरकार के आदेश के बाद भी ओवरलोडिंग धड़ल्ले से सरकारी नाक के नीचे हो रही है, लेकिन अधिकारी मुखदर्शक बने बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि शहर के क्वारसी चौराहे से लेकर एफएम टावर तक अवैध खनन करके बालू सड़क पर दौड़ती हुई ट्रकों में दिखाई दे रहा है, लेकिन सड़क पर खड़े पुलिसकर्मी की निगाह इन पर नहीं पड़ रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा दो प्रकार के वाहनों पर विशेष तौर पे कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एक तो माल वाहनों में ओवरलोड का परिवहन और दूसरा यात्री वाहनों का अनधिकृत संचालन। दोनों ही मामलों में विभाग के द्वारा जो है नियमित रूप से चेकिंग करके कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ओवरलोड वाहनों का जहाँ तक सवाल है, पिछले वित्तीय वर्ष में 3,03,00,000 रुपए जो जुर्माना है वो आरोपित करके वसूला गया है और 19 तारीख से चल रहे अभियान के अंतर्गत भी 23 वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन निरुद्ध किए गए हैं। 4,00,000 जुर्माना आरोपित किया गया है। इस संबंध में हमारे प्रवर्तन अधिकारीगण, जनपद के खनन अधिकारी, उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी की संयुक्त टीम के साथ नियमित रूप से दिन में भी और विशेष करके रात के समय नियमित रूप से चेकिंग कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में शांति का माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानपुर में दो समुदाय के बीच हुए तनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने वहां के पुलिस कमिश्नर को दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने तथा बिना किसी रियायत कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कहा कि शांति में खलल पैदा होने पर हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तीसरी बार गोरक्षनगरी पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में वो यहां पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे। अगले दिन 5 जून की सुबह कबीर की निर्वाण स्थली संत कबीर नगर पहुंचेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद 10 दिसंबर 2018 को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह और 28 अगस्त 2021 को आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे के आज दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन के दौरान दूर दराज से आए हुए लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को उनके मामले को जल्द से जल्द निराकरण करने का निर्देश दिया है। इस दौरान कमिश्नर, जिलाधिकारी, DIG, SSP और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हरदोई के सदर सांसद जयप्रकाश रावत ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा है कि राहुल गांधी कुछ भी बकते रहते हैं, उनको लोग हल्के में लेते हैं, दुनिया ही उनको हल्के में लेती है, इसलिए उन पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मोहन भागवत के बयान को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोहन भागवत के बयान के पीछे एक सोच होती है, पूरा देश उनकी बातों को गंभीरता से लेता है। यही जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी आज एक मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और किस तरह से इस तरह की हत्याएं बंद हो उस संबंध में निश्चित रूप से आज कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना होना चाहिए। देखिए, सरकार की मंशा साफ है और लगातार जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है लगातार कश्मीर की जो परिस्थितियां हैं उस पर भी नज़र रख रही है और जो वहां पे व्यापक सुधार होने चाहिए वो किए भी हैं और जो आगे ज़रूरत पड़ेगी निश्चित रूप से उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी। कानपुर में युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शराब के ठेके के पास संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के मां अन्नपूर्णा मंदिर के पास शराब ठेका है जहां पर शव मिलने से हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में हुई हिंसा के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। कानपुर नगर के थाना बेगनगंज क्षेत्र में एक पक्ष ने जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद करने का
प्रयास किया तो दूसरे पक्ष ने विरोध किया, तो आपस में टकराव हुआ, पत्थरबाजी भी हुई। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। स्थिति को आवश्यक बल प्रयोग कर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है। घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के कोराना गांव के बाहर खेत में इंटर की छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बीते शुक्रवार की रात 8:30 बजे घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई छात्रा सुभा सौच गए ग्रामीणों ने खेत में छात्रा का शव देख लिया, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। संभल में निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। अस्पताल में मरीज फंसे हुए थे। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची है। ट्रांसफार्मर की आग की चपेट में अस्पताल आया है। थाना और कस्बा चंदौसी के रोडवेज स्टैंड के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में प्रदेश में स्थापित औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में जनपद श्रावस्ती में भी 3 करोड़ से कम निवेश वाली औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष रतन मिश्रा, विधायक राम फेरन पांडे और जिला अधिकारी नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दीप प्रज्वलित कर किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।